और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का इंतजार हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां विधानसभा चुनाव हुए हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में सबसे बड़ा रोल सेना का भी रहा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने श्रीनगर में 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से जम्मू कश्मीर के हालात पर खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय की सिचुएशन को देखते हुए, खासतौर पर कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, अब सरकार बनेगी, लेकिन सबकी नजर आपके ऊपर थी क्योंकि यहां पर सिचुएशन को संभालना, चाहे वो टेररिस्ट हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो, बहुत जरूरी था। कैसे किया आपने ये और कितना बड़ा चैलेंज था जिसको ये पूरा ओवरकम किया आपने? जो सुरक्षा स्थिति है यहाँ पे वो फिलहाल सामान्य है, और अगर हम सारे वायलेंस पैरामीटर्स को देखें जिसके बेसिस पर इस सुरक्षा स्थिति का विवरण होता है आम तौर पर, तो वो पैरामीटर्स भी काफ़ी समय से नॉर्मल रहे हैं। आप पिछले 1.5 साल में लीजिए, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं। श्रीनगर में ही पिछले साल G20, और इस साल आपने देखा है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, और उसके बीच में अमरनाथ यात्रा भी चली। इस साल यात्रा में भी थोड़ी थ्रेट थी। अगर हम देखें तो 15 कोर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी तैनात है और घाटी के इलाके में भी, तो ये सारी सिचुएशन को सामान्य बना के रखने के लिए हमने लगातार ऑपरेशंस किए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जहां पर हमने घुसपैठ को कंट्रोल करके रखा है, और यहां पर भी जैसे जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज से हमें खबर आती रही, हमने काफी ऑपरेशंस को यहाँ पे अंजाम दिया है। सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट लगातार किए गए, न्यूट्रलाइज किए गए। जो टेररिस्ट आ रहे थे वो अपने साथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, वेपन लेकर आ रहे थे, गैजेट्स लेकर आ रहे थे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितने अभी भी जो टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में आपके AOR में एक्टिव हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश आ रही है, आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? देखिए मनीष, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, हमें मालूम है कि वहां पे जो घुसपैठ के अटेम्प्ट्स होते हैं उनको सहारा कहां से मिल रहा है, तो मुझे उसके बारे में टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी का सवाल है, हाँ, कुछ मॉडर्न वेपन्स ये जो घुसपैठी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि साथ ही साथ भारतीय सेना का जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है कि एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और उसके साथ साथ जो हमारे हथियार हैं और जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो सेवन है वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रयास इस साल भी हुए हैं, अगर मैं आपको विशिष्ट तौर पे बताऊं तो 11 इस तरह के प्रयास किए गए, जिसमें हमने 14 घुसपैठियों को तो मार गिराया और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हमारी तरफ, उनके शव भी हमने रिकवर किए हैं। क्योंकि साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का जिक्र, उसके अलावा सेंट्रल कश्मीर में जो टेररिस्ट की प्रेजेंस है वो देखी गई, जिसको आपने न्यूट्रलाइज भी किया। हाई वैल्यू टारगेट्स जो थे आतंकियों के, उसको हमने एलिमिनेट किया। लेकिन अभी एक सवाल ये उठता है कि हमारी कैजुअल्टीज भी हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चाहे अलग अलग ऑपरेशंस हो, उसमें चाहे कोकरनाक का ऑपरेशन हो या बाकी जो ऑपरेशंस हैं या जो कल भी हुआ ऑपरेशन, इन सभी को देखते हुए जो टेररिस्ट की प्रेजेंस है वो कितनी है, कैसे हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी ट्रेंड SSG सोल्जर्स हैं या फिर वो वाले टेररिस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं अलग अलग एरिया से? देखिए, ये स्पष्ट तौर से बताना मुश्किल है कि ये SSG सोल्जर्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लोकल एलिमेंट है टेररिज्म का, वो तो तकरीबन अगर आप देखें तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया। आपने कैजुअल्टीज की बात करी, तो इनिशियल जब कांटेक्ट होता है तो उसमें हमने देखा है कई बार कि हमारे जवानों को गोली लग जाती है, हमारे ऑफिसर्स को भी लगी है। मेरे ख्याल से अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो हमारे ऑफिसर्स, दे हैव ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट,
तो हमेशा वो आगे होते हैं। तो कभी कई बार सवाल उठता है कि ऑफिसर्स की कैजुअल्टीज हो रही है, लेकिन हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसीलिए उनको गोली छाती पे लगती है। जो नंबर्स की आप बात कर रहे हो, अब वो ऑल टाइम लो पर है, 100 के भी नीचे अब नंबर्स हो गए। सर, ऑपरेशंस जो हुए उसमें मैंने खुद भी देखा कि आप ऑन ग्राउंड थे, आप लगातार बात कर रहे थे, कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जहां पर जिस समय ऑपरेशन हुआ उस दौरान ही आप पहुंचे, ये एक तालमेल तो बताता ही है कमांडर और टाइगर और साथ में जो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स हैं, लेकिन जो प्रेजेंस है उसको पूरी तरीके से जीरो इन करने के लिए या फिर जो हमारे मॉडर्न गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स हैं उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम और अपने ट्रूप्स को इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि जो थ्रेट है, थ्रेट असेसमेंट है या फिर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पुरजोर तरीके से एक्शन कर सकें। आपको मालूम है मनीष कि इस साल हिंदुस्तान की फौज का ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन का साल 2024 के शुरू में ही हमने डिक्लेयर किया था। हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू से ही जब हमें खबर मिलती है तो हमारी आईज इन द स्काई बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाती हैं। इस साल हमने कई ऑपरेशंस ऐसे किए हैं जिसमें हमारा एंटायर जो रेंज है टेक्नोलॉजी का वो हमने इस्तेमाल किया है। सर्वेलेंस से हमने मूवमेंट डिटेक्ट किया है, उसके बाद हमने देखा है कि आतंकवादी किस घर में या किस हाइडआउट में जाके छिपे हैं, उस हाइडआउट को डिटेक्ट करने के लिए या उनकी प्रेजेंस किसी मकान में या किसी ढोक में पहाड़ों में डिटेक्ट करने के लिए हमने क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है, और फिर जो हमारे पास पूरा हमारा रेंज ऑफ वेपनरी है उसको इस्तेमाल किया उसको उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सर, आपने भी कहा और इस समय आर्मी चीफ ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब लास्ट लेग पे है एक तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म। मैं कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि हमेशा ये देखा गया था कि चाहे साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो वहां पर टेररिस्ट का प्रेजेंस बहुत था, और लेकिन अब वो धीरे धीरे जैसा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ही कम और खात्मे की तरफ है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, आर्टिकल 370 के बाद से लेकर अभी तक एक बहुत लंबी जर्नी की है और खासतौर पे आपके जो ये साल रहे हैं टेन्योर के वो बहुत ही क्रूशियल भी रहे हैं। देखिए, एक सुनहरा दौर है आगे, उसका आगाज तो हो ही गया। मैं यहाँ के लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सुनहरे दौर को अपनाना पड़ेगा, और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह चिनार कोर शुरू से आखिरी तक इस व्हाट शुड आई से एंडेवर हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। हमने हर कदम यहाँ के कश्मीरी आवाम के साथ अभी तक इस सफ़र को तय किया है और आगे भी हम उनके साथ बने रहेंगे, सिर्फ थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि यूथ का जिक्र आप करते आए हैं, खासतौर पे जो यूथ है यहाँ पर, जो आप इसे कह लीजिए भटक गए थे, जिसको आपने डीरेडिकलाइज करके या फिर मेन स्ट्रीम में जोड़ने की लगातार कोशिश की, उनको, उनके परिवार को, या फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं खासतौर पे गर्ल्स हैं जो कि भारतीय सेना की तरफ देखती हैं, कई मोटिवेट होती हैं और अलग अलग जगहों पर वो दिखाई दी, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील होगी? मनीष, जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर कदम ये जो जंग चली है, ये जो दिस जर्नी दैट दी कश्मीरी पीपल हैव बीन थ्रू, उसमें हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। हमारा जो प्राइमरी काम है वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफेंड करना है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना है, लेकिन कभी भी हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं होने दिया कि हमारा कश्मीरी आवाम के साथ एक कनेक्ट है। अगर मैं कुछ पहलुओं की बात करूं तो ये हैं एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस को विंग्स मिलें, तो हमारी कोशिश पूरी ये रहती है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, पूरी घाटी में 28 आर्मी गुडविल स्कूल्स फैले हुए हैं, और जो यंग जनरेशन है, जो द नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमारे स्कूल्स एक जरिया हैं जिसके थ्रू हम उनकी पर्सनालिटीज़ को नर्चर कर सकते हैं और शेप कर सकते हैं। तो हम एक रोल मॉडल के तौर पर उनके सामने आना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की और समय दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर।